रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो और तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस युद्ध में यूक्रेन के अपने हथियार पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो पश्चिमी देशों के हथियारों के बल पर रूस के सामने डट कर खड़ा है। यहाँ तक कि यूक्रेन ड्रोन के जरिए मॉस्को में भी घुस चुका है और इस पूरे युद्ध को शुरू हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एक तरफ जहां यूक्रेन का आधे से ज्यादा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ रूस को भी रुपयों पैसों और हथियारों के मामले में तगड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस युद्ध में यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन ने माना है कि रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए करीब $10 अरब के हथियार स्वाहा हो गए हैं। इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पश्चिमी देशों द्वारा सप्लाई किए गए करीब 20% हथियार नष्ट हो चुके हैं या फिर रूस द्वारा पहले 2 हफ्तों में यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में खत्म हो गए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को $47 अरब से ज्यादा की सैन्य मदद दी है। एक अनुमान के मुताबिक इस मदद से यूक्रेनी सेना ने अपनी पकड़ बनाए रखी और रूस को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन ये मदद रूस द्वारा कब्जाए गए इलाकों को दोबारा आजाद कराने के लिए काफी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने यूक्रेन को $13 अरब की अतिरिक्त सैन्य सहायता को मंजूरी दी है और मदद के जरिए अमेरिका अपने सबसे ताकतवर और महंगे हथियार जैसे M1 अब्राहम टैंक, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हिमार्स रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दे रहा है। ओपन सोर्स ब्लॉग ओरिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के कम से कम 23 ब्रेडली बख्तरबंद टैंक रूस के साथ जंग में खत्म हो चुके हैं, वहीं अन्य 31 टैंक खराब हो चुके हैं और 5 टैंकों को छोड़ दिया गया। इसके अलावा 60 से ज्यादा M113 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 57 मैक्स प्रो माइन रोधी टैंक और अन्य 100 हमवीज टैंक भी या तो तबाह हो चुके हैं या फिर गुम हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि इन हथियारों की कीमत हजारों डॉलर में है जो यूक्रेन युद्ध में स्वाहा हुए हैं। हालांकि युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर हथियारों के नुकसान के बाद अब यूक्रेनी सैनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टैंकों और सैन्य वाहनों के बजाय दूरी से ही रूस सैनिकों की पोजीशन पर रॉकेट या मिसाइल से हमले कर रहे हैं, जिससे हथियारों के नुकसान में काफी कमी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 में शुरू हुई जवाबी कार्रवाई के पहले 2 हफ्तों में हथियारों का नुकसान 20% से घटकर 10% पर आ गया है। लेकिन इस तरह से युद्ध करने की वजह से यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई थोड़ी धीमी जरूर पड़ गई है।